आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। माता महालक्ष्मी का व्रत 28 सितंबर 2021 को मनाया जा रहा है, रखा जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ऐसा मान्यता है कि प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देने का वरदान भी दिया, वचन भी दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान भगवान विष्णु से मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन स्त्री आती है और यहाँ गोबर के उपले थूकती है, वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कह कर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थोपते हुए देखा तो उसने अपने घर पधारने के लिए उनसे आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यार इस ब्राह्मण को भगवान विष्णु ने ही ये सारी बात बताई। उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो। व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन कर उसे अर्घ देकर तुम अपना संकल्प पूरा करो, उसके बाद तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी की। तब से माता महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है, ऐसी मान्यता है माता महालक्ष्मी के बारे में। माता महालक्ष्मी की जब पूजा की जाती तो उस दिन मिट्टी के बने हाथी की पूजा होती है। हर जगह सनातन धर्मी पूर्व पारंपरिक उत्साह धार्मिक रीति रिवाज के साथ माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। जगह जगह आप देख सकते हैं पुष्प के साथ में मिट्टी के हाथी यहाँ सजे हुए दिख रहे हैं और मिट्टी के हाथी में दाल को चिपका कर उनकी सूंड पर और बहुत ही नक्काशी कलाकारी की जाती है। आज उम्रदराज हो रही पीढ़ी, अब वयोवृद्ध हो रही पीढ़ी को याद होगा कि छोटे से एक से डेढ़ दो फीट तक के माता महालक्ष्मी के पूजन के लिए मिट्टी के गजराज को लाया जाता था और उन्हें सजाया जाता था। माता महालक्ष्मी का व्रत करने से ऐसा माना जाता है कि माता महालक्ष्मी का व्रत करने से सर मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती है। गजलक्ष्मी व्रत, माता महालक्ष्मी व्रत, इस तरह से अनेक तरह से लोग इसे मनाते हैं, पूजन करते हैं और देश भर के विभिन्न स्थानों में अलग अलग तरह से इस व्रत को मनाया जाता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर छोटे से गजराज दिख रहे हैं, गजराज के ऊपर आप देख सकते हैं गजराज के साथ माता महालक्ष्मी उस पर विराजी दिख रही हैं। परंपरागत उत्साह के साथ पूजन किया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 28 सितंबर मंगलवार को सुबह से ही लोग माता महालक्ष्मी, ये देखिए यहाँ पर सजी हुई हैं गजराज, सजे हुए हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं गजराज। जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, दिए बनाने का काम करते हैं, उनके द्वारा मिट्टी के हाथी बनाए जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर पुष्प और अन्य पूजन सामग्री लेकर लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। माता महालक्ष्मी का व्रत महिलाएं करती हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य से घर पूर्ण होता है। सिवनी में सालों से, दशकों से, सदियों से ये परंपरा लगातार चली आ रही है माता महालक्ष्मी के व्रत की। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं सिवनी के बाजार का नज़ारा। बाजार में
गजराज, माता महालक्ष्मी की प्रतिमाएं आपको हमने दिखाई। ये पूजन सामग्री यहाँ लोग खरीद रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हो, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के वीडियोज़, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो, तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।